पूछ रही हूँ, क्या हो रहा है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है सिकंदर, इतना टाइम क्यों लग रहा है जवाब देने में? मॉम, आई नो ये सब क्या हो रहा है। देखो मॉम, दादा की टी शर्ट, दादा का जैकेट, देखो सवाल अमायरा ने किया है, जवाब हम सब चाहते हैं। क्या है ये? आप सब लोग जैसे सोच रहे हैं वैसा नहीं। तो फिर कैसा है? प्लीज एक्सप्लेन। मेरे घर में आके तुम मेरे पति से चिपक गई, उसे आई लव यू कहने लगी मेरे सामने। आई वाज स्टैंडिंग राइट देयर, कुछ नहीं कहा मैंने। आई डोंट नो, बट दिस इज टू मच। लवली जी प्लीज, आप इन सब चीजों का गलत मतलब मत निकालिए। मैं आप दोनों की, आपके रिश्ते की बहुत इज्जत कर। रियली? ये 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 इज्जत करना है हमारे रिश्ते की? ये मेरे पति के फोटोज पे आई लव यू लिखा गया है, ये इज्जत है हमारी क्या? ये मैं सच कह रही हूँ, मुझे बचपन से म्यूजिक का बहुत शौक था, मैं तभी से सिकंदर जी के गाने सुनती आ रही हूँ। अच्छा दीदी, आप तो मेरी बात का यकीन करो, मैंने ये सब बचपन में ही बनाया था। अगर बचपन में बनाया था तो आज तुम्हारे साथ ये सब क्या कर रहा है? क्यों लेकर घूमते हो इसे अपने बैग में? क्या मतलब है इसका? कोई मतलब है ही नहीं लवली जी, सिस्टर इतने बड़े आर्टिस्ट है, मैं क्या इंडिया के लाखों लड़कियां ऐसे लव लेटर्स लिखती होंगी? ऐसी वैसी बात तो मैं अपने मन में सोच भी नहीं सकती। निम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, पर आप लोग तो ऐसे पूछताछ कर रहे हैं जैसे कोई ये चोर हो। ऐसे खत तो स्कूल कॉलेज में हमने भी खूब लिखे हैं। तूने किसको लिखा? सलमान को, शाहरुख को, सभी लिखते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके घर वाले इस तरह सबके घर जा जाके लड़ाइयां कर दें, क्योंकि सबको पता है कि फैन ऐसा ही करते हैं। प्रिंसेस, अब मेरी बात सुनोगे आप? आपके डैडा का म्यूजिक बहुत लोग पसंद करते हैं, आप जानते हो ना। और क्या करते हैं वो? मेल्स भेजते हैं, लेटर्स भेजते हैं, पता है ना आपको। उसमें कोई बुरी बात थोड़ी ना है बच्चे, उन सबको मेरे गाने अच्छे लगते हैं इसलिए करते हैं, और किस लिए करते हैं? सही कहा ना मैंने? हाँ जी बिल्कुल, मैं बस आपकी सिंगिंग की फैन हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप मैनु दोबारा मिलोगे? रब ने चाहा तो जरूर मिलेंगे। सच्ची? एसएस जी की कसम। से जी कौन से भगवान जी है? से जी कोई भगवान जी नहीं है, सिकंदर जी का पूरा नाम है। आप तो कह रहे थे ना कि आपसे मेरे डैडा की सिंगिंग के फैन, फिर आपने मेरी डैडा का नाम अपने हाथों पे क्यों लिखवाया?
मॉम फैन जैसे कटे क्या? क्या मतलब है इसका? आज तो मेरा दिन ही खराब है जी, एक के बाद एक कंफ्यूजन ही होती जा रही है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन जरूर हूँ, पर इस एसएसजी का मतलब सिकंदर सिंगल नहीं है। ये टैटू तो मेरे सदगुरु के लिए है, म्यूजिक मेरे लिए पूजा से भी बढ़कर है, इसलिए मैं जब भी गाना गाती हूँ उसके स्टार्ट और एंड में हमेशा सदगुरु साथ गाना कहती हूँ, यानी एसएसजी मतलब रब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी आवाज मेरे संगीत में हमेशा मेरे साथ हो। नो मॉम, मॉम जी ये फ्लोर को देख रही है। मॉम आपने मुझे बताया था ना, जब कोई आपकी आंखों में नहीं बल्कि जमीन को देख के कुछ बोल रहा हो मतलब वो पक्का झूठ बोल रहा है। सतगुरु साथ गाना। मेरे जी सितार वाली मासी सच कह रही है। हाँ जी मैंने इनका गाना सुना है, इतना प्यारा गाया सी, और गाने के बाद सितार वाली मासी ने हाथ जोड़कर सतगुरु साथ गाना भी बोला था, मैंने खुद सुना। लो जी अब तो आप सब लोगों को यकीन हो गया है ना कि मेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है, रुला के ही माने इस बेचारी को। बताई जी झूठ बोल। बच्चे इधर आओ, प्रिंसेस इधर आओ, एक मिनट मोमेंट सुनो मेरी बात। एक मिनट बच्चा, प्रिंसेस मेरी, बस करो बच्चे। आप जानते हो कुल्फी हमेशा सच बोलती है, और कुल्फी कह रही है कि उसने उसको गाना गाते सुना है, तो बस ना बच्चे हो गई ना बात खत्म, ठीक है? अब और गुस्सा मत करो, बस अब मेरे जी कौन सच बोल रहा है कौन झूठ आई डोंट केयर। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, इसे अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। नो, ये इस घर में नहीं रह सकती। नहीं क्यों नहीं रह सकती, इसका एक्सप्लेनेशन देने का मेरे पास टाइम नहीं, और तुम मांगना भी मत। आंटी तो अभी अभी आई है, मैंने कहा पिता की वो अच्छी नहीं है, मैंने लाइक भी नहीं करती, फिर तूने उनकी साइड क्यों ली? मैं तो तेरी सिस्टर हूँ ना, मैं गुड गर्ल हूँ ना। बिल्कुल जी, पर मैं क्या करती, स्टार वाली बात बिल्कुल सच बोल रही थी। फाइन, सच तेरी बहुत फेवरेट चीज है ना, तू मुझे सच बता, तू इन आंटी को इसीलिए इतना लाइक करती है ना क्योंकि उनका नाम निम्रत है, उनका नाम सुन के उनको देख के तुझे अपनी मॉम की याद आ जाती है। हद है, कहाँ जाएगी मेरी बहन? नहीं दीदी प्लीज, लवली बिल्कुल ठीक कह रही है, आप सब इनकी फैमिली है और मैं आप सबकी बहुत इज्जत करती हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मेरी वजह से इस घर में इतनी टेंशन हो गई, सच में मेरा ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं था, जो भी हुआ वो हुआ तो मेरी वजह से ही था, इसलिए मेरा यहाँ रुकना बिल्कुल गलत है। नहीं मम्मी, ऐसा भी क्या गलत कर दिया है तूने, कहाँ जाएगी तू? दीदी आप मेरी चिंता मत करो, आप बस अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, जब तक मुझे दूसरा पीजी नहीं मिल जाता मैं किसी लॉज में शिफ्ट हो जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जी आप किसी लॉज में नहीं रहेंगी, आप हाँ जी, लेकिन I knew it, मैं कब से नोटिस कर रही थी, जब तू आंटी को देखती है तो ऐसे देखती है जैसे तेरे सामने तेरी मॉम खड़ी हो, मुझे शिकर ऑफ करती, वो भाग आंटी तेरी मॉम नहीं है वो, मुझे लगा था तू मेरी फ्रेंड है कुल्फी, लेकिन तुझे सिर्फ बैड आंटी के साथ फ्रेंडशिप करनी है, ये रॉन्ग है कुल्फी, तूने हमारी टीम मॉम के साथ
जीतेंगी। अमीरी जी मेरी गलत सुनो, अमीरी जी, अमीरी जी, पर अमीरी जी। ना वट्टा से अप्पा, अमीरी जी तो मुझसे बहुत गुस्सा हो गई, अब की करा? हम आपका इंतजाम किसी अच्छे 5-स्टार होटल में करेंगे, जब तक आपको पीजी नहीं मिल जाता आराम से वहां पे रह सकती हैं। साउंड्स गुड। ठीक है वीर जी, आप कमरा बुक करवाओ, मैं भी अपना सामान पैक कर लेती हूँ। क्या सामान पैक करती, कहाँ चल रही तू? मम्मी होटल में अकेली कैसे रहेगी और लोग क्या सोचेंगे, और वैसे भी ये होटल वगैरह के रूम कितने सेफ होते हैं हमें क्या पता। भाभी जी मैं खुद करा दूंगा, अच्छे 5-स्टार में खुद बुकिंग कराऊंगा मैं, सेफ होते हैं। नहीं वीर जी मैं तो जाऊंगी, मेरे ससुराल वालों को भले ही मेरे मायके वालों की चिंता ना हो, पर मुझे तो है ना, अगर मेरे मायके वालों को ये पता चला ना कि मेरे होते हुए निम्मी होटल के कमरे में रह रही है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। भाभी जी हम आप मैंने एक सिंपल गलत सो, अगर आज देवरानी जी की सहेली मिंटी शहर में होती तो क्या उसे भी होटल में रुकवाया जाता? वो कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो मेरे लिए बनी है। कुंजन तू क्या ये मुर्गी दाल कर रही है? और क्या कहूँ, मैंने हमेशा इस घर को आप सब लोगों को अपना समझा, आप लोगों की सेवा की, पर फिर भी आज मैं अकेली, आप में से कोई भी नहीं है मेरे साथ, क्योंकि आप लोगों ने कभी मुझे अपनाया ही नहीं। मुझ में और अपनी छोटी बहू में हमेशा फर्क किया है आपने बेबे, शायद मुझ में कोई कमी रह गई होगी। जो बहू आपको छोड़ के चली गई है फिर भी आप उसी की सुनते हो, मैंने तो अच्छे बुरे टाइम में आप लोगों का साथ दिया है और आज भी आप लोगों के साथ हूँ, फिर भी आप लोगों को मेरी कदर ही नहीं है। अभी अभी जी वास्तव ऐसा बिल्कुल नहीं भाभी, बहुत कदर है आपकी, ये आपका घर है, हम सब बंदे आपके हैं, मुझे आप और ये परिवार ना आपसे बनता है, कुछ कहीं नहीं जाओगे आप, यही रहोगे। और आप और ये भी ये बात अब हमारी है ना मेरी है, मुझे वैसे भाभी जी को ऐसा बुरा लग रहा है तो गलत है ना। लवली जी मैं जानती हूँ मेरे यहाँ रहने से आप खुश नहीं हैं, पर मैं 10 दिन में दूसरा पीजी ढूंढ कर यहाँ से चली जाऊंगी, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रब दी सो। मुझसे बहुत 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 गुस्सा आ रहा। अमीर जी भी मुझसे बहुत 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 गुस्सा आ रहा जी। दोनों माँ बेटी ना एक जैसे हैं, गुस्सेल, खड़ूस, जिद्दी। एक जैसे कपड़े पाके, एक जैसा गुस्सा करती हैं, और गुस्से में दोनों की नाक एकदम एक जैसे लगती है, ऐसी। चल्ली अमीर जी और मैं इतनो से है ना, तो गुस्सा भी इतनी देर का ही होता है। हमारी टीम हमको तो फिर से बन जानी है, पर आप प्यारे जी को कैसे मनाओगे? दीदी जल्दी अंदर आओ, आपको एसएसजी की कसम। फिर एसएसजी? तो मैंने वह गाना सुनाने लाई है। दीदी मैं आपको सच बताने आई हूँ कि जो एसएसजी का टैटू है ना, इसका मतलब सतगुरु साथ गाना नहीं है, इसका मतलब सिकंदर सिंह के लिए है। प्यारी जी पहले ही मुझसे गुस्सा थी, मेरी वजह से परेशान थी,
और टू मच की मच मुझ फैल गई है। देखो बुरा लगता है जब लवली तुझसे नाराज हो जाती बहुत ज्यादा। मुझ पे भरोसा है। मैं क्या प्लीज अब दूध नहीं पीते ना इसलिए बातें भूल जाते हो। आप मेरे हीरो और हीरो सब कुछ कर सकते हैं। मैंने आप पे इतना सारा भरोसा है मत बोलना चंगा। चंगा कभी नहीं बोलूंगा रब दी सा लवली ने मुझे अपना भरोसा जीतने के लिए 30 दिनों का टाइम दिया है। अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो गया तो लवली हमारे रिश्ते पर भी यकीन करेगी और मुझ पर भी। लवली ने तुझे मेरी नजरों से देखना होगा कुल्फी। एक बारी वो तुझे जान गई ना तो फिर मैनू कभी भी उसके और तेरे बीच किसी एक को चुनना नहीं पड़ेगा। दीदी वो कुछ साल पहले ना मेरे सारे दोस्त कोई ना कोई टैटू बनवा रहे थे तो फूल पत्तियां भगवान आपको तो पता ही है ना कि म्यूजिक ही मेरे लिए सब कुछ है। प्रेसिस जी मेरे भगवान इसलिए मैंने SSG का टैटू बनवा लिया। अब मुझे क्या पता था कि मेरी इतनी सी बेवकूफी की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। रब जाने डर के मारे मैंने सबसे झूठ क्यों बोल दिया। जो लोग अपने घर में मुझे जगह दे रहे मैं उनसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हूँ। दीदी मैं काम करती हूँ उन्हें जाके अभी सब कुछ सच सच बता देती हूँ। दिल से सॉरी बोलूंगी तो इतने अच्छे लोग हैं मुझे जरूर माफ कर देंगे है ना। चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहे। मैंने तेरे वास्ते ना घर में सबसे झगड़ा कर लिया है और एक तू है खुद अपनी बलि देने जा रही है। महान बनके ना सबको सच बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने मुंह पर टेप लगा ले और ये जो कुछ भी हुआ है ना सब भूल जा। दरवाजे के बाहर 1 घंटे से ताक लगाए बैठा हूं पता है। अब भी नाराज हो तब मैं और अब मैं क्या बदल गया। जानता हूं भाभी जी ने जो कहा तुम उसको लेके बहुत परेशान हो रही हो। भाभी जी का गुस्सा थोड़ा भाभी जी के गुस्से को कितना टाइम लगता है शांत होने के लिए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सिकंदर। मुझे सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है मैं क्या सोचता हूं और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि तुम क्या सोचते हो और मैं जानता हूं इस वक्त तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि मैंने एक बार फिर तुम्हें नहीं किसी और को चुन लिया पर लवली मेरा यकीन मानो ऐसा कुछ नहीं नहीं वो सब कुछ नहीं सुनूंगी अभी। और मैं अगर ये भी तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या सोचती हूँ तो फिर प्रूफ करो कह के नहीं करके दिखाओ। ऐसा काम करो कि मैं मान जाऊँ कि तुम जो कह रहे हो वो सच है। एक मिनट बैठो ना मेरे नाथ एक मिनट लवली अगर हम ऐसे ही दूसरे पे शक करते रहे ना तो बनती बात भी बिगड़ जानी है। उस लड़की से मेरा कोई वास्ता नहीं है वो मेरे लिए अजनबी है लेकिन तुम मेरी अपनी हो। तुम ना बेकार की बात में पढ़ के परेशान ना हुआ करो यार बस खुश रहा करो। और इसीलिए ये बंदा कल अपनी मिसेस के लिए बनाने जा रहा है खाना अपने हाथों से। तुम मेरे लिए खाना बनाओगे? हां जी आपके लिए इटालियन खाना बनेगा जो आपका फेवरेट है। आओगी ना कल जब तुम घर आओगी तो तुम भी समझ जाओगी कि हमारी शादी पे कुल्फी से कोई खतरा नहीं। मुझे तुम दोनों में से किसी एक को कभी नहीं चुनना पड़ेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।